80 और 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और अपने दमदार अभिनय से बॉलीवुड पर राज करने वाली अभिनेत्री फरहान आज जब अपने करियर के पीक पर थी तभी उनकी मुलाकात दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह से हुई और कुछ समय के रोमांस के बाद साल 1996 में दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। शादी के वक्त बिंदु अपना करियर बनाने में लगे हुए थे, वहीं फरहान ने निर्णय लिया कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी और हाउसवाइफ बनकर रहेंगी। शादी के एक साल के भीतर ही फरहान ने बेटे फतेह रंधावा को जन्म दिया और उनकी बिंदु के साथ जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन ये शादी तकलीफ में तब बदल गई जब बिंदु अपना करियर नहीं बना पाए। बिंदु की इनकम जीरो थी, वहीं फरहान भी फिल्मों में काम करना बंद कर चुकी थी। ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो गया और आए दिन दोनों में झगड़े होते थे। बिंदु के घर वालों से भी फरहान की नहीं बनती थी, दारा सिंह से भी फरहान के कई बार झगड़े हुए और आखिरकार साल 2002 में दोनों ने तलाक ले लिया। बिंदु से तलाक के बाद फरहान ने साल 2003 में अभिनेता सुमित सहगल से शादी कर ली।